नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वेदास में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंफीबीम एवेन्यू के बारे में। इंफीबीम में आज बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने मिला, जैसे 5.43% का अपसाइड रहा, 35.95 पर मार्केट क्लोज हुआ। जाते वक्त ना एक चीज़ देखने को खराब मिल रहा है, 1,93,00 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ना सेलिंग के लिए रखा हुआ है, मतलब मोटा मोटा 2 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ना सेलिंग के लिए रखा है। यही चीज़ इसमें ना खराब देखने को मिल रहा है। बाकी जो न्यूज़ की बात करें ना, तो जितने भी अनाउंसमेंट हुए थे सारे मैंने आपके लिए कवर कर दिया पुराने वीडियो में, उसमें है, आप चाहो तो उसमें जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें, तो 33 पे एक सपोर्ट एरिया था हमारा और ये कंटिन्यू आ रहा था। आज ये एक बहुत बड़ा एक बिग कैंडल बनाया है और यही कैंडल ना बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो अभी जो 36 पे ट्रेड हुआ है, अब 2 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स प्लेस हुए हैं सेलिंग के लिए, तो एक तरह से ना ट्रेंड अभी भी थोड़ा थोड़ा दबाव में है। तो हमारा सपोर्ट एरिया 33 का अभी भी है, और अगर कल का दबाव रहता है तो इसमें ना 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 2 पॉइंट, जैसा जैसे अभी 1.95 आया है अप ट्रेंड में, तो 1.1.5 तक का थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। मगर ये जो सपोर्ट एरिया जब तक तोड़ता नहीं है तब तक ना यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो है ना फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुकी है। बीच में कभी बाप कभी प्रोमोटर बेच रहा है, कभी कोई और बेच रहा है, तो इसलिए ना थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जो है 34 तक का एक सपोर्ट एरिया है बराबर, और 36 पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड डाउन साइड नहीं जाता है, अपसाइड में ही है, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 38 का रहेगा, दूसरा टारगेट 42 तक का देखने को मिल सकता है। भाई सर का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।